पहले एकदम खुशी का माहौल था, मतलब रिबन कटवाने की तैयारी थी उस टाइम, सारे खुशी का उसमें थे। 5 मिनट के अंदर अंदर हादसा हो गया। उसके बाद कहाँ लग रही है चोट? ज्यादा सिर में लगी थी जी, उनका सिर पार्ट का नीचा आ गया। आगे से मेडिकल से कोई बैड न्यूज आ जाए उसको मद्देनजर रखते हुए फिर तो करवाए नहीं लड़की के यहाँ वरमाला रलवाकन है, और लड़की को विदा कर दिया था। नैतिक नाम का लड़का है। अच्छा। उनके हस्बैंड है जो पैरालाइज है, लकवा लग गया हुआ था, घर में कमाने वाली अकेली है वह, और आज उनकी हालात ना बिल्कुल अब तक होश नहीं आ रहे उन्होंने, और बिल्कुल दिनीय हालात है उनकी। अकेली ही परिवार का खर्चा उठा रही थी दिहाड़ी करके ने, 5 लड़की हैं, 5 और एक ही लड़का उनका। अच्छा। घर के हालात बिल्कुल ही दीनीय है, किसी भी मतलब सरकार की वजह और से उनको आज तक कोई भी हेल्प नहीं, तो उन लोगों को कॉलोनी मिली किसी उसमें, ना ही कोई मतलब ऐसी आर्थिक व्यवस्था मिली सरकार की उससे जाके उनका पालन पोषण हो जाए। और अब भगवान ने प्रकृति का देन कर दी जिससे कि वो अब मेडिकल में पड़ी हुई है, तो उनको मतलब परिवार की ऐसी हालात है कि कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकते। अच्छा, तो सरकारी हॉस्पिटल में? हाँ, अब रोहतक पीजीआई में। क्या स्थिति बनी हुई है इनकी माता जी की? अभी तक तो दिनीय स्थिति है जी उनकी। अच्छा। हाँ। चोट ज्यादा कहाँ? ज्यादा गंभीर चोट है जी। कहाँ लग रही है चोट ज्यादा? सिर में लगी थी जी, उनका सिर पार्ट का नीचा आ गया। अच्छा, ये सो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सरकार ने क्या कुछ बोला, कुछ बताया? डॉक्टर ने तो अभी तक तो जी मतलब सीटी स्कैन करवाया था, कल आज रिपोर्ट आएंगी, और आज दोपहर को पता लगेगा कि क्या है क्या ना है जी। अब तक तो उनको होश तो आया नहीं है। कितने बंदों को ऐसी गंभीर चोट आया जिसका सीटी स्कैन कराया गया है? लगभग सीटी स्कैन तो सर करीबन ये मान के चलो 15 से 18 बंदों का हुआ है। अच्छा। और कुछ एक थे जिनका नहीं हुआ है, और रिपोर्ट आई है 5-6 की। अच्छा। कल संडे था हमारे जींद में, यहाँ पे अपने सिविल में डॉक्टर भी कम थे, तो कुछ रोहतक रेफर करें, कुछ जिनकी दो लड़कियाँ शादी हो गई थी उनका पारिवारिक माहौल थोड़ा ठीक था, उन्होंने अपने मिसिज को लगा लो, हमारी बहन को लगा लो, उन्होंने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट किया है, जिसका जैसा ब्योत था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने किया है। एक 2-3 लड़कियां तो यहाँ से एडमिट हैं, जिनका ब्योत नहीं था उन्होंने पीजीआई अपने रोहतक में किया है। जो जमा बिल्कुल देखो यार, दिहाड़ी कर काम कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं मतलब इनका कुछ सरकारी नौकरी आवे है। गाँव वालों का कैसा सहयोग रहा है इस हादसे पे? गाँव वालों ने जैसे ही हादसा बना सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जितना भी हुआ सब ने पहले एक काम कराया था भाई, जितना भी हो उसका पहले फर्स्ट एड करो इनको, मतलब उठाओ गाड़ियों में बैठाओ और मेडिकल पहुँचाओ। अच्छा। उसके बाद फिर लड़की थी, एक लड़की का माहौल देख कर भाई रिपोर्ट कोई गलत आ जाए, कोई हादसा हो जावे, आगे से मेडिकल से कोई बैड न्यूज आ जावे, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर तो करवाए नहीं लड़की के यहाँ वरमाला रलवा कर ने, और लड़की को विदा कर दिया था ताकि भाई इनकी शादी कम्प्लीट हो जावे। अदरवाइज कोई बैड न्यूज आ जाती तो दूल्हा भी यहीं पर था, दुल्हन भी यहीं पर थी, तो फिर जैसे जो आपकी लड़की है वो अपने चली गई होगी ससुराल। हाँ जी, वो ससुराल दोबारा विवाह करवा ली, अभी आने को होगी, आने वाली है। हाँ जी। तो उसमें जैसे जो दूल्हा है उसके परिवार से भी कोई घायल हो गया आपका? हाँ, उनका तो एक फोटोग्राफर था जी साथी, जो वो ज्यादा ही कंडीशन उसकी भी सीरियस है जी, वो भी रोहतक है, और रोहतक से ही जनेताई हुई थी, जो रोहतक से आ रही है, जसोर खेड़ी था, जसोर गाँव थे जी। कोई सामाजिक व्यक्ति कोई सहयोग करने के लिए भाई ऐसा हादसा होया है तो ऐसे में गरीब लोग भी है और सही तरह के लोग थे? टोल कमेटी आई थी हमारी जी। अच्छा। ठीक है, उन्होंने आश्वासन दिया भाई जितना होगा हम सरकार से करवाएंगे। कल इस हादसे के तुरंत बाद आधे घंटे बाद टोल कमेटी आ गई थी। अच्छा, खेड़ा खाक के अपने प्रधान आए थे सतबीर पहलवान जी आए थे, टोल कमेटी में सारे आ गए थे, जिसमें आश्वासन दिया गया कि हम सरकार से इस बारे में गुहार करेंगे कि भाई आर्थिक व्यवस्था हो कुछ ना कुछ, मतलब इन भाइयों का सारा लगा है समाधान हो गया भाई, कोई ना कोई समाधान निकले। और बाकी जो घायल है वो जींद गए हैं? हाँ, मतलब ये दोबारा बुलाए थे क्योंकि कल संडे था तो ट्रीटमेंट प्रॉपर होने नहीं मिला था, फर्स्ट एड करके ना जिसका जिस तरह मतलब कल हो सके था उतना कर दिया गया था, आज दोबारा बुलाए हैं वो, उनका सीटी स्कैन होना है, किसी एक का जो 3-4 बच्चों की तो टांग भी टूटी हुई है वो प्लास्टर कर दिए थे, आज उनको दोबारा बुलाए गए हैं भाई, देखो भी क्या रहेगा। इसकी माता जी जींद है रोहतक? रोहतक है जिनकी माता जी। आप में से कोई जा रहा है कोई बंदा उड़ा, कोई बातचीत हो? मतलब कैसी कंडीशन? परिवार के आदमी तो है जी। कोई बातचीत हो फोन पर? सुबह बात हुई थी करीबन 9:30 बजे, उस टाइम भी मतलब कंडीशन दिनीय ही थी जी, मतलब नहीं निकला जी। कल एकदम खुशी का माहौल था, मतलब रिबन कटवाने की तैयारी थी उस टाइम, सारे खुशी का उसमें थे। 5 मिनट के अंदर अंदर हादसा हो गया। उसके बाद किसी ने खाना नहीं खा रखा, सारे कोई सो नहीं रहा, कोई वहाँ पे कोई रोकता, कोई जींद, कोई हंसी, सब ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अच्छा,
शादी जिस घर में थी ये उसी का मकान है, पड़ोस में है, उसी का मकान है, उसी का मकान है। अच्छा।